नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय प्रताप और आप देखना शुरू कर चुके हैं एपी ड्राइंग 2.0। तो दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप गोला प्रकार की हेल्प से बहुत ही आसानी से आलेखन बनाना सिखाएंगे। सिर्फ आपको गोला प्रकार लेना है, पेंसिल लेना है और पेपर उठा लेना है दोस्तों, और हमारे साथ ही बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो ये मेरी गारंटी है दोस्तों, इससे आसान तरीके से आप आलेखन नहीं बना सकते हैं। आप एक सर्किल बनाइएगा। सर्किल बनाने के बाद इस पॉइंट से आप पेंसिल स्केल का यूज करते हुए एक पॉइंट आप यहां पर ऐसे लगा देंगे। जब आपका पॉइंट लग जाएगा तो यहां पर हम गोला प्रकार को रखेंगे और इधर से आपको इस तरह आगे की तरफ एक आर्क लगाना होगा। थोड़ा पहले आप हल्का हल्का लगाइएगा। जब आपका आर्क लग जाएगा तो यहां पे आप इस पॉइंट को लगाइएगा। देखिए कितना आसान है। इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जहाँ जहाँ हम पॉइंट लगा रहे हैं आप उधर उधर ही लगाते रहिएगा। बहुत ही आसानी से हमारा आलेखन बन के तैयार हो जाएगा। फिर इसके बाद इधर से भी आप ऐसे नीचे की तरफ बढ़ा दीजिएगा, ये हो जाएगा। फिर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, फिर हम आगे की तरफ यहाँ पर भी बढ़ाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हम कोई और ड्राइंग बनाएं तो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आपके लिए वो ड्राइंग बहुत ही आसानी से बनाना सिखा देंगे। फिर इसके बाद इस साइड आप ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं उसी तरह आप भी आगे की तरफ बढ़ते जाइएगा। पहले हमने यहाँ पे लगाया था गोला प्रकार को, फिर दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ पे, अब आपको छठा यहाँ पे लगाना होगा। यहाँ पे रखिए, बहुत ही आराम से आप इसको आगे की तरफ बढ़ा दीजिएगा दोस्तों। ये हो गया हमारा आलेखन, ये अंदर वाला डिज़ाइन बन के तैयार हो गया है। अभी हम इसको मार्कर की हेल्प से डार्क कर देंगे तो बहुत ही खूबसूरत आपको लगेगा। और आज हम आपको इस आलेखन को कलर भी करना सिखाएंगे। इसमें कुछ और डिज़ाइन है दोस्तों, देखिए कैसे करना है आपको। यहाँ से ऐसे ले जाइए, एक डिज़ाइन मैं आपको बता देता हूँ, फिर इसको फास्ट करके हम बना देंगे। इधर ऐसे करिएगा, यहाँ से आपको छोटा सा एक हाफ सर्किल बनाना होगा। जब आपका हाफ सर्किल बन जाएगा, इसका यूज करते हुए आप यहाँ पर ऐसे एक लीव्स बना देंगे। तो चलिए दोस्तों, इसको जल्दी से हम मार्कर की हेल्प से डार्क कर लेते हैं, या आप ब्लैक स्केच की हेल्प से डार्क करना चाहते हैं उसकी हेल्प से डार्क कर लीजिएगा, और उसके बाद कलर भी करना सीख लेते हैं। Thank you.